हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रश्दी। और कैसी चल रही है आपकी होली की तैयारी? मैंने तो आज शुरू की है, मैं सबसे ज्यादा लेट हो गई हूँ। मम्मी ने भी घर में बना ली गुंजिया वगैरह, और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उन्होंने गुंजिया बना ली, मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब। सबसे ज्यादा मैं ही लेट हो गई क्योंकि मैं हरिद्वार घूमने के लिए गई हुई थी। तो बस अभी मैंने मसाला बनाया है, और वो कैसे मैंने बनाया आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और इसके बाद अब मम्मी के आने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी, तेरी हेल्प करा दूंगी ताकि तेरी गुंजिया जल्दी से बन जाए। तो बस उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। बाकी तैयारी मैंने करके रख दी है, मसाला भी बना दिया और आटा भी गूंद लिया है गुंजिया वाला। और अभी मेरे पास कमेंट आया था कि ना आपने अपनी मदर इन लॉ से मुझे हम लोगों को नहीं मिलाया है। तो मैंने उनका एक अलग से हमारी कन्वर्सेशन वाला पूरा एक वीडियो बना के रखा हुआ है, एडिट वगैरह सब कर दिया है, लेकिन फिलहाल मैंने उसको अपलोड नहीं किया है क्योंकि आजकल ये होली की प्रिपरेशन, होली सेलिब्रेशन और होली की पूजा, ये सारे वीडियो अभी मेरे पास हैं करंट जो चल रहे हैं। तो ये जब खत्म हो जाएंगे इसके बाद मैं उनका और मेरी जो मदर इन लॉ की कन्वर्सेशन है वो मैं अपलोड करूंगी। तो एडिट मैंने सब कुछ कर रखा है, आपको उनसे मिलाऊंगी, उनकी बातचीत भी आप लोग सुनिएगा, लेकिन आपको अभी कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो बस अभी मैंने सारी जो तैयारी कर रखी है वो आपको दिखाती हूँ, और कैसे मैंने मसाला बनाया गुंजिया का वो भी दिखाती हूँ, आटा कैसे गूंदा गुंजिया वाला वो भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो आटा है गुंजिया का वही तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है, और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 बड़ा चम्मच जो होता है घी इसके अंदर ऐड किया है। फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करके मतलब इसको देखूँगी चेक करके कि अगर ये ऐसे हाथ में इसको अगर हम दबाएं और ये एक इसकी गुठली की तरह अगर ये बन रहा है, जैसे ये देखिए गांठ की तरह बन गया है, तो फिर इसका मतलब ये परफेक्ट है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और एक हार्ड सा डो बना लूँगी। तो बस ऐसे ही मैं इसका आटा गूंद रही हूँ, पूरी जैसा जो होता है डो वैसा इसका तैयार करना है। तो देख सकते हैं आप, ये डो बनकर तैयार हो गया है, और अब मैं इसे गीले कपड़े से, साफ गीला कपड़ा है ये, इससे मैंने इसको ढककर रख दिया है। चलिए अब दूसरी साइड बना लेते हैं गुजिया में भरने वाला मसाला। तो यहाँ पर मैंने ये मोटे सरफेस वाली जो कढ़ाई है वो ली है, ताकि जो मैं सूजी वगैरह इसमें भूनूँ तो वो जले नहीं। तो मैंने एक करछी घी लिया था, और इसके अंदर फिर मैंने 1 कटोरी जो है सूजी वो ऐड कर दी है। फिर इसको भून रही हूँ मैं धीरे धीरे, हल्की हल्की आँच पर, मतलब लो टू मीडियम होनी चाहिए फ्लेम गैस की, और इसको धीरे धीरे भूनना है। तब तक भूनना है जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो सूजी है हल्की ब्राउन हो गई है। बस अब मैं इसको अलग बर्तन में निकाल लूँगी ताकि ये अलग बर्तन में निकल कर ठंडा हो जाए। तो अब फिर से इसी ही कढ़ाई को मैंने साफ़ किया है, और इसके अंदर मैं भूनूंगी खोया। तो ये जो खोया मैं इसमें डालने वाली हूँ वो खोया मैं मार्केट से लेके आई हूँ, तो वही मैं अभी भूनने वाली हूँ। तो बस यही मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है इसके अंदर, और फिर ये जो खोया है ये है 250 ग्राम, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको भून रही हूँ। इसको भी हल्की आंच पर भूनना है, जब तक भूनना है जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता है, लाइट सा ब्राउन सा कलर आना चाहिए इसका। तो बस इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो धीरे धीरे इसको ऐसे ही चलाते जा रही हूँ, और बस इसको हल्का ब्राउन होने पर इसको भी मैं कढ़ाई से निकाल लूँगी। आप चाहें तो घर पर भी खोया बना सकते हैं, तो आप फुल क्रीम दूध लें और उसको काफ़ी देर तक कढ़ाना पड़ता है गैस पर, फिर जाके खोया बनता है, लेकिन मैं तो रेडीमेड ही ले आई। तो ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया, इसको भी अब मैं अलग प्लेट में निकाल रही हूँ। अब ये जो मसाला है, मसाले के लिए जो मैंने सूजी ली है वो भी ठंडी हो गई, खोया भी ठंडा हो गया है। तो खोया मैंने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा ही ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने अलग निकाल लिया है, और इसके अंदर फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो थे वो ऐड किए हैं। तो इसके अंदर मैंने काजू, बादाम और किशमिश ऐड किए थे। कुछ टुकड़े मुझे हल्के से मोटे लग रहे थे, तो वो मैं इसको थोड़ा सा और कूट लूँगी इनको, जो मुझे मोटे लग रहे हैं टुकड़े। तो बस उनको भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, खोया, सूजी और ड्राई फ्रूट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
हाथों की हेल्प से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इससे ये क्या होगा, इवेनली सब जगह अच्छे से जो है ये मसाला मिक्स हो जाएगा। तो इस बर्तन में मुझे प्लेट के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी मसाले को मिक्स करने में, इसलिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। और इस बाउल में अब मैं ये एक कटोरी मैंने बूरा लिया है, आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं लेकिन बूरा परफेक्ट होता है। तो बूरा भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इस मसाले को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये मसाला अब बनकर तैयार हो चुका है। और वो जो बचा हुआ खोया था उससे मैं पेड़े बनाऊंगी। हालांकि ये जो पेड़े हैं बहुत ही कम बनेंगे लेकिन तवीशी को बहुत पसंद है इसलिए मैं बना रही हूँ। तो ये वही भुना हुआ खोया है जो मैंने लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बूरा। तो बूरा मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी, अगर मुझे इसकी ज़रूरत और लगी ऐड करने की तो मैं दोबारा ऐड कर लूँगी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, एक डो की तरह इसको बना लेना है ताकि जो ये बूरा है अच्छे से इस खोए के अंदर मिक्स हो जाए। तो बस इसको ऐसे ही डो की तरह ही ऐसे ही करते रहना है और बस हाथों से मैं इसको ऐसे ही गोले जो होते हैं पेड़े बना रही हूँ और थोड़ा सा बूरा इसमें ऊपर से फिर लगा रही हूँ ताकि इसका जो गीलापन है वो हट जाए। तो ऐसे ही बाकी के जो पेड़े हैं वो भी मैं बनाती रहूँगी। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली मिठाई है और सच में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तवीशी की तो ये फेवरेट है, उसने पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि मम्मा मेरे लिए थोड़े से पेड़े बना देना, तो इसीलिए मैंने खोया थोड़ा सा बचा लिया था और उसके लिए पेड़े मैं बना रही हूँ। तो बस ये 4-5 पेड़े बने हैं, ये उसी के लिए मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर अब मैंने तविशी और मैं मिलकर अभी बनाने वाले हैं गुंजिया। तो यहाँ पूरी तैयारी मैंने घर के रखी हुई है, गुंजिया की मशीन है, मसाला है और वो आटा भी है और साथ में ये चकला और बेलन भी है। तो यहाँ पर मैं बेलती जा रही हूँ और तविशी जो ये माउल्ट्स होते हैं इसके अंदर ये फटाफट गुंजिया बना बना कर रखती जा रही है। उसने मेरी काफ़ी हेल्प कराई, वो हेल्प करा देती है और साथ में मम्मी भी अभी आने वाली हैं तो मम्मी की भी हेल्प मिलती है मुझे और साथ में तविशी की भी हेल्प मिली, तो इसकी वजह से मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया। तविशी को ये काम करना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही हेल्प कराती है। तो अब मम्मी आ गई हैं। मेरी जो गुंजिया वाला आटा था वो थोड़ा सा कम पड़ गया था, मसाला थोड़ा बच गया है। मम्मी फिर से आटा गूंद के बना रही हैं, हेल्प करा रही हैं और वो जो मैंने गुंदिया बता रही हूँ जो बनाई है वो मैं फटाफट तलने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने उन्हें ढका भी नहीं। आप चाहें तो इसे ढक सकते हैं क्योंकि अगर आप अकेले बना रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में और तलने में, तो तब तक आप इसको कवर करके रख सकते हैं। तो मैं तो फटाफट अभी तलने जा रही हूँ इसलिए मैंने उनको ढका नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तेल जिसके अंदर मैं गुंजिया को तलूंगी और ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया उसके बाद मैंने जो गैस थी वो लो मीडियम कर ली थी और फिर मैं इसमें एक एक करके गुंजिया छोड़ती जा रही हूँ। इन गुंजियाओं को लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी। इन्हें अंदर अच्छे से सेकना है इसलिए बहुत ही हल्की आँच पर इन्हें सेकना होता है। तो बस आप देख सकते हैं ये जो गुंजियाएँ हैं अच्छे से पक गई हैं, हल्का सा ब्राउन कलर इनमें आ गया है और बस अब मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकाल दूंगी। ऐसे ही जो बची हुई गुंजियां हैं उनको भी मैं तल लूंगी। तो यहाँ पर मम्मी अभी बना रही हैं नमक पारे। तो नमक पारे के लिए मम्मी आपने क्या क्या लिया? अजवाइन नहीं लिया, अजवाइन लेती हूँ अभी, है ना। और मम्मी ने इसमें लिया है 250 ग्राम मैदा और 50 ग्राम सूजी और घी डाला है इसमें। 50 ग्राम नहीं, हाँ कम ही है, कम 20 ग्राम। हाँ मतलब इतना होना चाहिए कि हाथ से मुट्ठी से वो होने लग जाए, है ना, लड्डू से बन जाए। ये अच्छे से मिक्स करेंगे मम्मी और इसमें डालेंगे अजवाइन और हार्ड सा इसका आटा गूंद लेंगे जैसे पूरी वाला होता है ना। हल्का नमक, नमक देना, ये रहा नमक। तो मम्मी ने इस नमक पारे वाले आटे के अंदर अजवाइन ऐड करी और स्वाद के अनुसार इसके अंदर मम्मी ने नमक ऐड किया। तो मम्मी इसमें अंदर मिक्स कर रही हैं और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाएंगी और एक हार्ड सा डो जैसे पूरी वाला होता है वैसा डो तैयार कर लेंगी।
तो आप देख रहे होंगे कि मम्मी पहले तो अच्छे से सारा नमक और अजवाइन को आटे के अंदर मिक्स कर रही हैं, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हैं, और फिर इसका एक आटा जो होता है गूंद कर तैयार कर लेंगी। तो थोड़ा थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर ऐड करना है, एकदम से बहुत सारा नहीं, नहीं तो ये एकदम से पतला हो सकता है। तो जैसे मम्मी ऐड कर रही है इसमें पानी थोड़ा थोड़ा, वैसे ही इसमें ऐड करना है। बस ऐसे ही इसको मसलते जाएंगी मम्मी, और फिर इसके बाद जो आटा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आटा बनकर तैयार हो गया था, और मैं यहाँ उसी आटे से एक मोटी सी पूरी बना रही हूँ। एक बड़ी सी और मोटी सी पूरी बनानी है, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको मतलब। तो यहाँ पर मैं ऐसे बड़ी सी जैसे रोटी होती है वो बना रही हूँ, और बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा रखना है। नमक पारे जो होते हैं थोड़े मोटे मोटे होते हैं, तो मोटी सी रोटी बनानी है। तो ये रोटी मैंने बना ली है, और इसको अब मैं चाकू से जैसे नमक पारों की शेप होती है डायगनल, डायगनली डायमंड शेप, उस टाइप से इसको बनाना है। तो वैसे ही मैं इसको कट करूँगी। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है जब भी मैं ये डायमंड शेप बनाती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे काम करती हूँ ये वाला, और हाफ हाफ वे में इसको कट करती हूँ। आप देखिएगा मैं कैसे करती हूँ, एकदम से पूरे जो नमक पारे हैं वो मैं डायमंड शेप में नहीं कट कर पाती हूँ। तो यहाँ मैं देखिए कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ थोड़े थोड़े से, और बस ऐसे इसको डायमंड शेप में कट कर दूँगी, और फिर इनको किनारों से ही निकालना शुरू कर दूँगी। तो बस मैं इसको एक प्लेट में, मैंने ये पहले भी डाले हैं निकाल कर, तो ऐसे ही ये दूसरे नमक पारे भी इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ, और बाकी बचे हुए नमक पारे भी मैं ऐसे ही डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं तेल में जो गुंजिया वाला बचा हुआ तेल था उसी के अंदर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। एक गुंजिया जो थी इस तेल के अंदर फूट गई थी और खुल गई थी वो उसके अंदर, तो उसकी वजह से आप देख सकते होंगे वो थोड़ा सा जो काला काला है वो इसी की वजह से हो गया है। तो बस अब मैं इन नमक पारों को हल्की हल्की आँच पे लो मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकाऊंगी जब तक ये हल्के ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। तो ये हल्के से ब्राउन कलर के हो गए हैं, और बस मैं इनको एक एक करके निकाल लूँगी। तो बस ये जो गुंजिया है ये भी बनकर तैयार हो गई हैं, और ये इधर साइड में मेरे नमक पारे जो हैं ये भी बनकर तैयार हो गए हैं। वीडियो में तो सिर्फ ऐसे लगता है कि 10 से 15 मिनट में सारा काम हो गया, लेकिन रियल में बहुत लंबा टाइम चाहिए इन सब कामों को करने के लिए। तो बस यही थी आज का छोटा सा व्लॉग, और ये रेसिपी जो मैंने बनाई वो आपके साथ शेयर की। सभी लोग बनाते हैं गुजिया, नमक पारे वगैरह सभी के घर में बन रहे होंगे या बना चुके होंगे, कुछ के घर में कल बनेंगे, मैंने आज बना दिए। मुझे तो लग रहा था मैं आज भी लेट हो गई, अगर हरिद्वार नहीं गई हुई होती, मैं रुड़की ना जाती, तो शायद मैं कल बना चुकी होती, लेकिन आज मम्मी ने मेरी हेल्प करा दी। अगर मम्मी नहीं आई होती तो मुझे बहुत टाइम लगता है ये गुंजिया और नमक पारे बनाने में, क्योंकि ये तलने वाला काम बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। धीरे धीरे हल्की हल्की आंच पे सब कुछ सेकना बहुत ही मुश्किल और लंबा काम होता है। तो मेरा काम 3 घंटे में निपट गया, मम्मी ने की हेल्प की इसलिए। अगर मम्मी नहीं हेल्प करती तो आराम से 4-5 घंटे बिल्कुल लगने थे। तो बस अभी अभी मम्मी गई हैं, मम्मी भी आई हुई थी, छोटी बहन भी आई हुई थी, तो उन दोनों ने हेल्प कराई, काम निपटा और डिनर वगैरह करके वो चले गए हैं। बस अब मैं करूंगी वीडियो का एंड। आपने क्या क्या बनाया कमेंट करके जरूर बताना, कैसे बनाते हो आप होली और क्या क्या तरीके के आप पकवान बनाते हो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हम ये बनाते हैं, हम वो बनाते हैं, कुछ लोग गुंजिया नहीं बनाते, कुछ लोग और तरीके की मिठाइयाँ बनाते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबका गुंजिया बनाने का, मिठाइयाँ बनाने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो बस अब वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बस फिर मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।